अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुजहत शेख और आज हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो कि मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 141 पर। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट मेंशन कर रहे हैं हमको, तो सबसे पहले हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बैलेंस शीट के टिकआउट्स करते हैं। टिकआउट्स करने के लिए देखेंगे हमारी एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2019 मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 अप्रैल 2019 को हमने मोहिनी को बिजनेस में एडमिशन दिए, मतलब न्यू पार्टनर है हमारी मोहिनी। फर्स्ट एडजस्टमेंट, शी इज टू पे ₹1 लाख एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। 1 लाख रुपये लेकर आ रही है कैपिटल की अमाउंट और 40,000 रुपये लेकर आ रही है गुडविल की अमाउंट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी 5:3:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिजनेस का 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, मतलब गुडविल जो है ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के सेक्रीफाइंग रेशियो में। द असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। असेट्स में फर्स्ट असेट है हमारी बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू हमको मेंशन कर रहा है 1 लाख, तो सबसे पहले बिल्डिंग जो है उस पर टिकआउट कर लेंगे। बिल्डिंग जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 72,000, अब उसी की वैल्यू हमको 1 लाख रुपया मेंशन करना है, 1 लाख बताना है, मतलब एप्रिसिएशन होगा। प्लांट एंड मशीनरी ₹48,000, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई है 48,000, तो नेक्स्ट टिकआउट्स करेंगे प्लांट एंड मशीनरी पर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर 4, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू ₹4,000। आरडीडी जो है वो हो गया है हमारा 4,000 रुपये, तो आरडीडी ऑलरेडी हमको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2,000 रुपया। डेटर्स पर टिकआउट कर लेंगे, डेटर्स के आरडीडी जो है वो 2,000 की बजाय अब हमको मेंशन करना है 4,000 रुपया। द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि आधा अमाउंट उनको बिजनेस में रखना है। आधा रखना है मतलब आधा पार्टनर्स विथड्रॉ कर ले रहे हैं, और विथड्रॉ भी होगा पार्टनर्स के सेक्रीफाइंग रेशियो में। और लास्ट एडजस्टमेंट है, द क्रेडिटर्स शुड बी रिवैल्यूड एट ₹66,000। क्रेडिटर्स की वैल्यू हो गई हमारी 66,000, तो क्रेडिटर्स हमको मेंशन किया हुआ है 60,000 रुपया, उस पर टिकआउट कर देंगे क्रेडिटर्स पर। ठीक है, अब हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं हमारी असेट्स और हमारी लायबिलिटीज। हमारी बैलेंस शीट की पोस्टिंग करना है हमको अकाउंट्स में, जिसके अकाउंट प्रिपेयर है अकाउंट पर ट्रांसफर करेंगे, और जिसके अकाउंट प्रिपेयर नहीं है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा हमारी बैलेंस शीट में। लेकिन एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हमको मेंशन करना रहेगा इनर। फर्स्ट हमको दिया हुआ है लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, तो ट्रांसफर भी करेंगे हम पार्टनर्स के अकाउंट में। लेकिन लायबिलिटी का बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम भी बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। माधुरी का कैपिटल दे रहा है 80,000 और मनीषा का कैपिटल दे रहा है 1 लाख, मोहिनी का कैपिटल है नील। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स हम डायरेक्टली मेंशन करते हैं हमारी बैलेंस शीट में। लेकिन बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में मेंशन करेंगे हमारा कैपिटल, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल, माधुरी मनीषा और मोहिनी। उसके बाद बताएंगे हमारा क्रेडिटर्स का अमाउंट, क्रेडिटर्स जिस पर हमने टिकआउट किए हैं, एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हम मेंशन करेंगे इनर में 60,000, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है मतलब बिल जिसका पैसा अब तक के हमने पेड नहीं किया, अमाउंट अभी भी देना बाकी, और बिजनेस का देना बाकी होता है तो वो रहती है हमारी बिजनेस की लायबिलिटी। हम भी बताएंगे लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल की अमाउंट है हमारी 10,000। नेक्स्ट असेट साइड में फर्स्ट आइटम दे रहे हैं हमको बिल्डिंग, बिल्डिंग है हमारी असेट, तो हम भी बताएंगे हमारी असेट साइड, लेकिन एडजस्टमेंट है तो अमाउंट मेंशन होगा इनर में। बिल्डिंग इनर अमाउंट 72,000, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पर भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, और इनर अमाउंट मेंशन करेंगे 60,000, उस पर
पर बी एडजस्टमेंट है, अमाउंट इनर में लिखेंगे, उसके बाद भी एक लाइन का गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक है तो स्टॉक पर हमारे कोई टिक आउट्स नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट डायरेक्ट आउटर में बताएंगे 48,000। नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स जिस पर हमको आरडीडी मेंशन किया हुआ है, अगर डेटर्स और आरडीडी एक साथ आता है तो डेटर्स की हमेशा लेना है इनर वैल्यू। इनर वैल्यू हमको डेटर्स की दे रहा है 42,000, तो 42,000 हम भी मेंशन करेंगे इनर में, 42,000 एडजस्टमेंट है इसके लिए, उसके बाद भी एक लाइन का गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट है बैंक 20,000, तो बैंक हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है यहाँ पर कैश का, कैश और बैंक अकाउंट। असेट है तो असेट का बैलेंस रहता है हमारा डेबिट बैलेंस, हम भी बताएंगे बैंक अकाउंट की डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारा कैश का बैलेंस हमको दिया हुआ है 20,000। नेक्स्ट है फर्नीचर, तो फर्नीचर है हमारा 10,000, तो फर्नीचर हम बताएंगे हमारी असेट, फर्नीचर डायरेक्ट आउटर वैल्यू 10,000, क्योंकि फर्नीचर पर कोई टिकाउट्स नहीं है। नेक्स्ट लाइन में हमको बता रहा है ऑन 1st April 2019 मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 April 2019 को हमने बिजनेस में मोहिनी को एडमिशन दी है। 1 April को जब बिजनेस में मोहिनी को एडमिशन दे रहे हैं, मतलब नया पार्टनर जब बिजनेस में आ रहा है, तो नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आता है वो लेकर आता है उसके साथ कैपिटल की अमाउंट और गुडविल की अमाउंट। मतलब मोहिनी जब बिजनेस में आ रही है तो वो लेकर आ रही है 1,00,000 रुपए का कैश। 1,00,000 रुपए का कैश आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, मतलब हम बताएंगे कि हमारे पैसा आ रहा है हमारी बैंक में। डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट को डेबिट देंगे और नाम लिखेंगे वहां पर कि लेकर आ रही है मोहिनी, टू मोहिनी कैपिटल 1,00,000। नेक्स्ट इफेक्ट होगा हमारा कि हमारी बैंक में पैसा आया, हमने बताया बैंक अकाउंट को डेबिट ना मोहिनी का, बैंक अकाउंट को डेबिट दिए ना मोहिनी का लिखे, तो मोहिनी के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे हम बाय बैंक अकाउंट और मोहिनी ने लेकर आई है इसके लिए अमाउंट मोहिनी के कॉलम में 1,00,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी बताएंगे हम कि उसने 1,00,000 के साथ साथ गुडविल का भी अमाउंट लेकर आई है 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। उसने 40,000 रुपए का गुडविल लाई है फॉर्म में गुडविल लाई है, मतलब फिर आ रहा है बिजनेस में कैश, कैश आ रहा है लेकिन अमाउंट की रिसीवर रहेगी हमारी बैंक, हम बताएंगे बैंक को डेबिट और नाम लिखेंगे वहां पर गुडविल का, तो गुडविल अकाउंट 40,000, बैंक अकाउंट को डेबिट दिए नाम गुडविल का लिखे, बैंक अकाउंट को डेबिट दिए नाम गुडविल का लिखे, तो गुडविल अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे हम बाय बैंक अकाउंट 40,000। यह हुआ हमारा गुडविल लाने की एंट्री के पार्टनर्स ने गुडविल लेकर आए। अब जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को उनके रेशो में, लेकिन यहाँ पर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिया हुआ है। अगर दोनों रेशो दिए जाते हैं तो हम फाइंड करेंगे पार्टनर्स का गुडविल उनके सेक्रीफाइस रेशो में। ठीक है, यहाँ पर मैं सेक्रीफाइस रेशो मेंशन कर रही हूँ, सेक्रीफाइस रेशो, और सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला है हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों भी पार्टनर्स का हमको दिया हुआ है। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो हमको पार्टनर्स का दिया हुआ है। ओल्ड रेशो माधुरी और मनीषा, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2 और न्यू रेशो हमको दे रहा है 5:3:2। तो हम फाइंड करेंगे कि माधुरी और मनीषा का सेक्रीफाइंग रेशो क्या आएगा। तो सेक्रीफाइंग रेशो के लिए यहां पर देखेंगे हम माधुरी का रेशो, माधुरी का रेशो रहेगा हमारा ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3,
तो ओल्ड रेशियो था 3:2, मतलब 5 में से 3 हिस्से माधुरी के, तो ये हो गया 3/5। और दूसरा पार्टनर है मनीषा, मनीषा का रेशो है ओल्ड रेशो 2, ये भी है 2/5। तो ये हो गया हमारा ओल्ड रेशो 3/5 और 2/5। उसी में से माइनस होगा हमारा न्यू रेशो लेस न्यू रेशो। तो न्यू रेशो दिया हुआ हमको 5:3:2, 5 और 3 8, 8 और 2 10, मतलब 10 में से 5 हिस्से जो रहेंगे वो रहेंगे माधुरी के 5/10, और मनीषा का है न्यू रेशो 3/10। ये हो गया ओल्ड रेशो 3/5, ये हो गया ओल्ड रेशो 2/5। सेम ऐसे ही न्यू रेशो रहेगा पार्टनर्स का 5/10 और 3/10। मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 × 3, तो 10 × 3 वो आता है हमारा 10 × 3 वो आ जाता है 30, 10 × 3 = 30, और 5 × 5, 5 × 5 = 25, divide by 5 × 10 वो आ जाता है 50। सेम ऐसे ही 10 × 2, 20 − 5 × 3, 15 डिवाइड बाय 5 × 10, 50। 30 − 25, 5/50, और 20 − 15, ये भी आता है 5/50। कैंसल करेंगे 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, तो ये आ जाता है 1/10, और ये भी 1/10। 1/10 मतलब हमारा सैक्रिफाइंग रेशो रहेगा दोनों पार्टनर्स का इक्वल। तो हम 40,000 का जो गुडविल है वो 40,000 का गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइंग रेशो में। तो सैक्रिफाइंग रेशो में 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा टू माधुरी कैपिटल, 20,000 और टू मनीषास कैपिटल 20,000। गुडविल अकाउंट को हमने डेबिट दिए नाम पार्टनर्स का लिखे, गुडविल अकाउंट को डेबिट दिए नाम पार्टनर्स का लिखे, तो पार्टनर्स का अकाउंट भी हमने प्रिपेयर किया है। गुडविल अकाउंट को डेबिट दिए नाम पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट देंगे और वहां पर बताएंगे हम बाय गुडविल 20,000, मोहिनी का कॉलम नी। ये हुआ हमारा गुडविल लाने की एंट्री, और लाया हुआ गुडविल ये हमने कर दिया पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी 5:3:2। तो 5:3:2 ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पर मेंशन कर दिए है सैक्रिफाइंग रेशियो का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर थर्ड, द असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। असेट्स की वैल्यू हमको रिवैल्यूट करने के लिए बोला, तो रिवैल्यूट करने के लिए हमको असेट की वैल्यू बता रहा है बिल्डिंग 1,00,000, मतलब ये 72,000 की बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू हो गई है 1,00,000। 1,00,000 वैल्यू हो गई है, मतलब हमारी असेट की वैल्यू कितने से बढ़ रही है 28,000। 1,00,000 − 72 तो हमारा डिफरेंस रहेगा 28,000, जिससे हमारी असेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो हम बताएंगे असेट में ऐड एप्रिसिएशन 28,000, फर्स्ट इफेक्ट हो रहा है हमारा असेट्स की वैल्यू में ऐड एप्रिसिएशन। तो सेकंड इफेक्ट असेट की वैल्यू बढ़ना हमारी इनकम, और इनकम हम मेंशन करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 28,000। उसी के साथ साथ हमारी असेट की वैल्यू हमको बता रहा है प्लांट एंड मशीनरी इज ₹48,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई हमारी 48,000, तो प्लांट एंड मशीनरी थी हमारी 60,000 की। 60,000 की वैल्यू अब 48,000 हो गई, मतलब हमारी 60,000 की वैल्यू जो है वो कम होकर 48 हो रही है। तो कितने से कम हो रही है 12,000। 60,000 − 48,000, तो अमाउंट हमारा आ रहा है डिफरेंस 12,000।
मतलब हमारा 12,000 से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो हम बताएंगे हमारी प्लांट एंड मशीनरी में से लेस डेप्रिसिएशन 12,000 12,000 से आउटर में वैल्यू 48,000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया प्लांट एंड मशीनरी में से लेस डेप्रिसिएशन, तो सेकेंड इफेक्ट असेट्स की वैल्यू कम करने, हाँ असेट्स की वैल्यू कम करना हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट हम बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी। दिया हुआ था हमारा 42,000 पर आरडीडी दिया हुआ था हमारा 2,000, 2,000 की वैल्यू जो थी आरडीडी की वो बढ़कर हो गई है 4,000 रुपया। मतलब हम बताएंगे डेटर्स में से लेस आरडीडी 4,000 से आउटर में हमारी वैल्यू रहेगी सिर्फ 38,000, 42,000 माइनस 4,000 तो हमारा आउटर वैल्यू 38,000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया डेटर्स में से लेस आरडीडी, तो सेकेंड इफेक्ट होगा हमारा कि आरडीडी हो रहा है, डेटर्स में से हमने 4,000 रुपया कम कर दिए, मतलब असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हम बताते हैं डेबिट साइड टू आरडीडी। लेकिन ये 4,000 में से 2,000 रुपया जो है वो ऑलरेडी हमने बैलेंस शीट पे बता चुके हैं, मतलब अब हमारा सिर्फ मेंशन होगा 2,000 रुपया कि बैलेंस शीट में ऑलरेडी 2,000 था करंट ईयर में, और 2,000 से एक्सपेंसेस हमारा बढ़ गया, मतलब टोटल हमारा आरडीडी हो गया 4,000 रुपया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर 5, द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हाफ अमाउंट वो बिजनेस में रखना चाहते, हाफ रखना चाहते मतलब हाफ जो है वो नहीं रखना चाहते, और जो चीज नहीं रखते हैं बिजनेस में वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स को। आधा दे रहे हैं हम, तो 40,000 में से आधा अमाउंट हमारा 20,000, और 20,000 रुपया हम गुडविल रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, दे रहे हैं रिटर्न, तो हम बताएंगे बैंक अकाउंट को क्रेडिट और नाम लिखेंगे वहां पर पार्टनर्स का बाय माधुरी अकाउंट 20,000 में से आधा देंगे हम माधुरी को और आधा देंगे हम मनीषा को। तो हम पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट देंगे और वहां पर बताएंगे टू बैंक अकाउंट 10,000 10,000 मोहिनी का कॉला नील। और लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रिवैल्यूड एट ₹66,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है हमारी 66,000, तो हमारा क्रेडिटर्स जो कि मेंशन किया हुआ था 60,000 रुपया, ये 60,000 की वैल्यू अब 66,000 हो गई, 66,000 हो गई, मतलब 6,000 से हमको क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ा देना है। 6,000 से क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ाना है मतलब हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई, लायबिलिटीज बढ़ गई, तो हम बताएंगे क्रेडिटर में ऐड एप्रिसिएशन 6,000, आउटर में अमाउंट 66,000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया कि क्रेडिटर्स की वैल्यू में ऐड एप्रिसिएशन, तो लायबिलिटीज बढ़ना मतलब हमारा कर्जा बढ़ रहा है, और हमारी लायबिलिटीज का बढ़ना होता है हमारा एक्सपेंसेस, हमारा कर्ज बढ़ रहा है 6,000 रुपया से, तो हम भी बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स 6,000। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब अकाउंट हम क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले क्लोज होगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल है हमारी 28,000 और डेबिट साइड की टोटल है हमारी 12,000 प्लस 2,000 14,000 प्लस 6,000 20,000, मतलब हमारा डिफरेंस आ रहा है 8,000 से। 28,000 में से माइनस करेंगे 20,000 तो डिफरेंस हमारा
8000 से, और ये 8000 से डिफरेंस हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स को, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो पुरानी फर्म के अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, पुरानी फर्म के अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो हमारा डिफरेंस भी जो रहेगा वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स को उनके पुराने रेशो से, पुराना रेशो जो के था 3:2, तो 3:2 होता है हमारा 5, 5 के लिए 8000, तो 1 के लिए 1800, 1 के लिए 1800, तो 2 के लिए सॉरी 600, 1600, 1 के लिए 1600, तो 2 के लिए 3200 और मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 के लिए 4800। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट ये नाम पार्टनर्स का लिखे, रिवैल्यूएशन को डेबिट ये नाम पार्टनर्स का लिखे, तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट देंगे वहां पर बताएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4800, 3200 और मोहिनी का कॉलम नी। नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करेंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने के लिए यहां पर भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल हमारा हेवी है, क्रेडिट साइड में है 80,000 प्लस 20,000 1 लाख 4,800, यहां पर है 1,20,000 प्लस 3,200 तो 1,23,200 और यहां पर है हमारा 1 लाख। क्रेडिट साइड की टोटल में से माइनस करेंगे हम डेबिट साइड, तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंस। हम फाइंड कर रहे हैं इसके लिए बैलेंस होता है हमारा कैरेट डाउन, दिया हुआ बैलेंस है तो वो रहता है ब्रॉट डाउन बैलेंस, और अगर हम फाइंड करते हैं तो वो बैलेंस रहता है हमारा कैरेट डाउन बैलेंस। 1,04,800 में से माइनस करेंगे 10,000 तो हमारा डिफरेंस 94,800, 1,23,200 में से माइनस करेंगे 10,000 तो हमारा डिफरेंस रहेगा 1,13,200 और 1 लाख में से माइनस कुछ नहीं करने के लिए है, टोटल अमाउंट रहेगा हमारा 1 लाख। यहाँ हमारा बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंस डेबिट का, तो ब्रॉट डाउन होता है हमारा क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड बैलेंस जो रहता है वो रहता है हमारा लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज हमने मेंशन की है यहाँ पर बताएंगे 94,800, 1,13,200 और 1 लाख, ये हो गया तीनों भी पार्टनर्स का कैपिटल। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा पार्टनर्स का सॉरी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट का टोटल अमाउंट हमारा आता है 20,000 प्लस 1 लाख, 1,20,000 प्लस 40,000 तो ये हो जाता है 1,60,000। 1,60,000 में से हमने पेड किए हैं 20,000, मतलब अभी भी हमारे पास अवेलेबल कैश का बैलेंस है 40,000, तो यहां पर बताएंगे हम बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,40,000। बैलेंस कैरेट डाउन हमारा आया है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है डेबिट साइड, और डेबिट बैलेंस रहता है हमारा बैलेंस शीट की असेट साइड। बैंक 1,40,000। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा गुडविल, तो गुडविल अकाउंट हमारा टैली है सेम अमाउंट से 40,000 और 40,000। लास्ट हम देखेंगे हमारी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की टोटल हमारी दोनों भी साइड की सेम आना चाहिए, दोनों भी साइड की सेम टोटल आना चाहिए 1 लाख प्लस 48,000 प्लस 48,000 प्लस 38,000 प्लस 10,000 प्लस 1 लाख 40,000, तो टोटल आती है हमारी 3,84,000। सेम ऐसी है हमारी लायबिलिटी साइड की टोटल आना चाहिए 94,800, 1,13,200, 1,66,000 और 10,000, ये भी आना चाहिए 3,84,000। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। यहाँ पर हमने देखे हमारे पार्टनर्स का सेक्रीफाइंग रेशो, और सेक्रीफाइंग रेशो के अलावा हमने गुडविल जो है वो आधा गुडविल फॉर्म में रखना है, और आधा गुडविल कुछ नहीं बताया था, इसके लिए हमने पार्टनर्स को रिटर्न ऑफ कर दिया, और पार्टनर्स को रिटर्न ऑफ किया हमने उनके
सेक्रीफाइंग रेशो में, ठीक है। आप लोग को जो भी डिफिकल्टीज आती है आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। थैंक यू।